हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनलॉक बाबा जी। दोस्तों, मैं यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आपको ओप्पो के फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉक नहीं खुलेगा। और बिना कंप्यूटर का खोलूँगा दोस्तों, सर्विस सेंटर वाला ट्रिक अपनाऊंगा, जो सर्विस सेंटर वाले ट्रिक अपनाते हैं वही वाला ट्रिक मैं बताने वाला हूं जो कोड सर्विस सेंटर वाले यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, एक सारी डिजिट भूल गए पिन में, पैटर्न चाहे पासवर्ड जो भी हो, तो आपका लॉक नहीं खुलेगा। अब मेन ट्रिक यहीं से शुरू होता है। जो इमरजेंसी कॉल दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे एक बार, मेन ट्रिक यहीं से शुरू होगा दोस्तों। स्टार हैज 999999 7 को 9 टिकना है और इसको लास्ट में हैज लगाने के बाद तीन बार कॉल कर देना है, 1 2 3। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन बंद हो जाएगा, जिससे कि आपका लॉक खोलने में बहुत आसानी होगा। तो अब मैं जो मेन कोड बताने वाला हूँ जिससे आप इंजीनियर मोड में चले आइएगा दोस्तों, तो वो कोड है स्टार हैज 899। लास्ट में हैज टिकूंगा दोस्तों तो ये इंजीनियर मोड में चला आएगा। तो ये कोड आप लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं भी, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हैज टिपने के बाद आप आ गए हैं इंजीनियर मोड में। ये देखिए इंजीनियर मोड। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप इंजीनियर मोड वही सेटिंग छेड़िएगा जो जानते हैं, नहीं जानने वाले सेटिंग मत छेड़िएगा, नहीं तो आपका मोबाइल हैंग कर सकता है और आपको फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ उसी पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर वर्जन में जो कर्नल वर्जन है वो 921 होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, मेरा 921 है लास्ट में। और यहाँ से बैक आ जाएंगे एक बार, और यहाँ पे जो मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन देख रहा है वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले आएंगे दोस्तों। लास्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपका मेन बोर्ड वर्जन भी 1.1 होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा दोस्तों। और रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर ये पास होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए मेरा पास है, तो लॉक खोलने में आसानी होगी। तो अब यहाँ से बैक आ जाते हैं दोस्तों। और ये RP MBS स्टेटस है और इसके नीचे मेन बोर्ड वर्जन है, उस पर 7 बार क्लिक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो गया दोस्तों। और RPM के स्टेटस पे क्लिक करते के साथ ही आपका लॉक खुल जाएगा। तो और दोस्तों, आपका लॉक खुल चुका है दोस्तों। RPM भी इनेबलिंग स्विच ऑफ यानी कि पुराना वाला पासवर्ड पिन बटन सब हटा दिया गया है, और RPM भी की जनरेट नो यानी कि आपके मोबाइल में जो नया नया पासवर्ड ट्राई करके खोलने की कोशिश किए थे उसको भी नो कर दिया गया है। और ATK चेक फील्ड यानी कि इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो अब यहाँ से मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर देंगे। ये देखिए स्विच ऑफ कर देते हैं। तो और दोस्तों, आपका पासवर्ड खुल चुका है दोस्तों। तो जो मेरा जितना भी डाटा था वो सब मौजूद है। ये देखिए इंस्टाग्राम, बाकी सारे ऐप भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि मेरा डाटा लॉस नहीं हुआ और लॉक आराम से खुल गया। तो 1 घंटा का समय मिला है दोस्तों, आप अपना नया पासवर्ड लगा लीजिए, नहीं तो आपका पुराना वाला पासवर्ड फिर से लग जाएगा। तो कृपया करके ध्यान से अपना लगा लीजिए, लगाने से इसे दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा।
तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा ताकि पता चले कितने लोगों का पासवर्ड खुला। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।